सीनियर ऑफिसर्स को भी बोला गया है कि सारी पाइपलाइंस को चेक किया जाए, एक बूंद भी पानी हम वेस्ट नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने टैंकर्स का भी इशू उठाया था और उस पर भी डिटेल्स हमने फाइल किए। दिल्ली सरकार के अफसरों द्वारा टैंकरों की संख्या घटाई गई, सरकारी टैंकर कम कर दिए जाते हैं, तो स्वाभाविक बात है कि लोग कहीं ना कहीं से प्राइवेट टैंकर ढूंढने जाएंगे। देखिए, ये जो मेन लाइन है जो सोनिया विहार से ग्रेटर कैलाश के लिए साउथ दिल्ली मेन्स कहलाता है, ग्रेटर कैलाश, जंगपुरा, निजामुद्दीन, जल विहार, लाजपत नगर में ये सारी पानी की पाइपलाइन जाती है, तो इसको हम चेक करने के लिए आए हैं कि कहीं पर किसी प्रकार की लीकेज तो नहीं है। सीनियर ऑफिसर्स को भी बोला गया है कि सारी पाइपलाइंस को चेक किया जाए। जल बोर्ड के स्टाफ को भी कहा गया है कि उनके साथ रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स मिलकर पेट्रोलिंग करेंगे, क्योंकि इस पानी की कमी की परिस्थिति में एक बूंद भी पानी हम वेस्ट नहीं कर सकते। देखिए, बिल्कुल क्या क्या कदम उठाए गए हैं पानी की वेस्टेज रोकने के लिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने हमने डिटेल में फाइल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने टैंकर्स का भी इशू उठाया था और उस पर भी डिटेल्स हमने फाइल की है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि आज के दिन में दिल्ली जल बोर्ड 1000 टैंकर चला रहा है, वो दिन में 6 से 8 ट्रिप करते हैं। इतना मैसिव टैंकर नेटवर्क भी मात्र 4 से 5 MGD पानी का प्रयोग करता है, तो इलीगल टैंकर्स बिल्कुल रोकने चाहिए, लेकिन अगर हम उन्हें रोकेंगे भी तो आप आधा MGD पानी बचा लेंगे, आप पौना MGD पानी बचा लेंगे, आप शायद 1 MGD पानी बचा लेंगे, लेकिन जो 40 MGD पानी की कमी है उसको पूरा नहीं किया जा सकता। उसको पूरा किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ अगर हमें यमुना में वजीराबाद पॉन्ड पर और मुनक्कनाल में पानी मिले। देखिए, जनवरी से लगातार दिल्ली सरकार के अफसरों द्वारा टैंकरों की संख्या घटाई गई। हमने बार बार आदेश दिया, मैंने मुख्य सचिव को कई बार आदेश दिया कि टैंकरों की संख्या ना घटाई जाए, टैंकरों की संख्या घटाने से समस्या हो सकती है, लेकिन बार बार लिखित आदेश का पालन नहीं हुआ। तो अगर टैंकरों की संख्या, सरकारी टैंकरों की संख्या घटी है, इसी से ये संभावना बनती है कि प्राइवेट टैंकर माफिया जिसकी हम बात कर रहे हैं उनकी संख्या बढ़ी है, क्योंकि अगर लोगों को रिक्वायरमेंट है और सरकारी टैंकर कम कर दिए जाते हैं तो स्वाभाविक बात है कि लोग कहीं ना कहीं से प्राइवेट टैंकर ढूंढने जाएंगे। तो मैंने LG साहब को ये लिखा है कि जिन जिन अफसरों को हमने आदेश दिए टैंकर बढ़ाने के लिए और उन अफसरों ने टैंकर नहीं बढ़ाए, उनकी मिली भगत पर इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए और इंक्वायरी होने तक उन सारे अफसरों को सस्पेंड भी होना जरूरी है, क्योंकि अगर किसी अफसर की मिली भगत है तो ये बहुत सीरियस मुद्दा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।